दोस्तों स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, महत्वपूर्ण सवाल जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपना है एक सरकारी नौकरी का। तो उसी सपने को अगर मैं पूरा करने की बात कहूं तो मैं आपका सपना पूरा करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं HPPSC, HP टैट, HP पटवारी और एलाइड सर्विसेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इतने हैं कि यहीं से ही प्रश्न आने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चों आप कितना इसको परफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको इसको बताऊं तो इसमें क्या है, इसमें आपके लिए 750 से लेकर 750 तक के सवालों के जवाब दूंगा मैं आज। इससे पिछले 700 सवाल जो हैं वो मैं आंसर दे चुका हूं, मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उससे आंसर जो है वो निकालिए। तो पहला सवाल जो है वो ये है, यमुना, गिरी, जलाल, मारकंडा, बाटा, घग्गर नदियां कौन से जिले में बहती हैं। ये नदियों के नाम हैं, सब हैं, तो ये कौन सी नदियां हैं, यानी कि खड्डे हैं, नाले हैं, इस प्रकार की हैं, ये कौन सी जगह पर बहती है, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। सिरमौर में बहती हैं। कहां पर है जी? सिरमौर में बहती हैं। अगला सवाल यह है, सिरमौर राज्य की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो वो रखी थी सुशंभ ने। किसने रखी थी? सुशंभ प्रकाश। अच्छा, सुशंभ प्रकाश ने जो है इसकी नींव रखी थी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सिरमौर राज्य की नींव। बाघल के शासक किसके वंशज थे? बाघल के शासक जो थे वो किसके वंशज थे? वो अपने आप को राजा भोज के जो हैं वंशज मानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आता है अर्की। अर्की का निर्माता किसे कहा जाता या माना जाता है? तो किशन सिंह। किशन सिंह को जो है अर्की का निर्माता माना जाता है। अगला है 16 सिंगी धार और शिवालिक पर्वत के आंचल में कौन सा जिला बसा हुआ है? तो इसके आंचल में, यानी कि एक साइड में जो है जो आपका हमीरपुर जिला आ जाता है, और दूसरी साइड जो है साथ में ही टच करता हुआ आपका बिलासपुर है, और फिर बिलासपुर के साथ ऊना जिला है। और ये 16 सिंगी धार और शिवालिक ये दोनों जो हैं उसके निचली, यानी कि ऊपर ये है और निचली धार में जो है सारा का सारा ऊना क्षेत्र आता है। तो ऊना के साथ आप जाएंगे, ऊना इसका सही आंसर रहेगा। गोथ रलाना संस्कार का प्रचलन कहां पर हुआ? तो गोथ रलाना जो है संस्कार, ये ऊना से जुड़ा हुआ है। कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू और कांगड़ा के राजाओं को संगठित करके मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने का जो है वो महासंघ बनाया, यानी कि हम उसके विरोध करेंगे, ये अकबर के विरोध था। तो ये किसने किया था? तो विधि चंद राजा विधि चंद ने जो है ये विद्रोह किया था। अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी कहां पर उठी थी? तो ये निकली थी या उठी थी कसौली में। कहां पर उठी थी? कसौली में, हिमाचल प्रदेश। 1857 के संग्राम कसौली में बढ़ता हुआ शिमला के निकट जतोग में बढ़ गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व कर रहे थे सूबेदार भीम सिंह, इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, जुग्गा और डांडरा आंदोलन कहां के प्रसिद्ध आंदोलन है? दो आंदोलन है, जुग्गा और डांडरा, ये दोनों आंदोलन बिलासपुर जिला से जुड़े हुए हैं। किससे हैं बच्चों? बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। अगला है, बुशहर रियासत के दुमह आंदोलन कब हुआ? दुमह आंदोलन जो है वो 1859 में हुआ। अगला है, किस आंदोलन में घास फूस की झोपड़ियां बनाकर बिल्ली, कुत्ते, गायों, पशुओं के साथ व्यक्ति न्याय पाने के लिए बैठता था? यानी कि जुग्गा आंदोलन में हुआ था, और जो कि बिलासपुर में है, तो ये इसका सही आंदोलन आंसर रहेगा, आंदोलन जुग्गा आंदोलन और बिलासपुर में। नेक्स्ट आ गया,
1924 में सुकेत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मियां रतन सिंह इसका सही आंसर है। अगला है, सुकेत आंदोलन 1824 के दौरान सुकेत रियासत का राजा कौन था? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है, 1942 में सिरमौर के गांव टपरौली में पछोता किसान आंदोलन हुआ था। देखिए, पछोता किसान आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ, सिरमौर में हुआ। गांव का नाम भी याद रख सकते हो, ये किसान आंदोलन है, याद रखिएगा। किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रकाश के। तो नरेश थे ये, यानी कि राजा थे राजेंद्र प्रकाश। पछोता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पछोता आंदोलन का जो नेतृत्व है वो प्रधान थे लक्ष्मी सिंह कोटला गांव के, और सचिव थे वैद्य सूरत सिंह। तो इनके नेतृत्व में जो है पछोता आंदोलन हुआ है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, पछोता आंदोलन के दौरान किस आंदोलनकारी का घर डायनामाइट से उड़ा दिया गया था? तो ये था सूरत सिंह का। किसका घर उड़ा दिया था? सूरत सिंह का जो है वो डायनामाइट से जो है घर उड़ा दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, 1911 में लाला हरदयाल भारत से भागकर फ्रांसिस्को में 1857 टू 59 के जन विद्रोह में की स्मृति में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो उन्होंने गदर पार्टी के भी उसी वक्त चली थी, तो गदर पार्टी उसी प्रकार से उन्होंने गदर जो है अखबार जो है वो निकलवाई थी। कौन सी थी? गदर अखबार, गदर पार्टी से याद रख सकते बच्चों। 1913 में मंडी के क्रांतिकारी हरदेव की शहदाई में किसके मिलने के कारण गदर पार्टी में शामिल हुए थे? तो डॉक्टर मथुरा सिंह। नेक्स्ट आता है, रानी खेड़ागढ़ी की क्रांतिकारी नेत्री थी, तो ये कहाँ की थी? तो ये मंडी की रहने वाली थी। कहाँ की थी? मंडी की रहने वाली थी। और इनका असली नाम जो था वो ललिता देवी था। क्या नाम था? ललिता देवी। हरदेव ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो स्वामी कृष्णानंद रखा था। क्या नाम रखा था? स्वामी कृष्णानंद। क्रांतिकारी ऋषिकेश लठक कहां के निवासी थे? तो ये थे ऊना जिले के निवासी। नेक्स्ट, 11 मई 1921 को गांधी जी के प्रथम शिमला आगमन पर वे किस वायसराय से मिले थे? तो लॉर्ड रीडिंग जो वायसराय थे उनसे मिले थे, ये लॉर्ड रीडिंग से। अगला सवाल है हमारा, जुब्बल रियासत के भागमल सोहटा ने शिमला में कहां से स्वाधीनता संग्राम का आगाज किया था? तो ये शिमला के माल रोड से किया था। कहां से किया था? शिमला के माल रोड से। और होटल का नाम था एम्पीरियल। एम्पीरियल जो है वो होटल का नाम था जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अगला सवाल है, अमेरिका के ईसाई धर्म प्रचारक सैमुअल इवांस स्टोक्स ने शिमला पहाड़ियों में कहां पर अपना निवास स्थान बनाया था? तो कोटगढ़ में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, इवांस स्टोक्स ने हिंदू धर्म अपना कर क्या नाम रखा था? तो सत्यानंद स्टॉक्स। क्या नाम रखा था? सत्यानंद स्टॉक्स अपना नाम रखा था। अगला है, सन 1927 में सुजानपुर के ताल में बलोच सिपाहियों को मारा पीटा गया और उनकी
गांधी टोपियां भी छीन ली गई थी। इसी घटना के विरोध किसने ये शब्द ली थी कि जब वे भारत स्वतंत्र नहीं होता है तब तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। क्या लगता है ये इस सवाल का जवाब आपको कि किसने ये शर्त रख ली होगी, किसने ये सोचा होगा कि मैं तब तक काले कपड़े पहनूंगा जब तक देश आजाद नहीं होता। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है बाबा कांशीराम। क्या है? बाबा कांशीराम, पहाड़ी गांधी भी कहते हैं। अगला है शिमला की राजकुमारी अमृत कौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहता है भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ रही हैं 1942 में के दौरान किस पत्रिका का संपादन कर रही थी, यानी कि उसका एडिटर बनी हुई थी। तो ये थी हरिजन। हरिजन जो उनकी अखबार थी उसके संपादन में थे। हिमाचल की सबसे पहली प्रजा मंडल संस्था का गठन कहां पर हुआ था? तो प्रजा मंडल जो संस्था थी इसका गठन सिरमौर में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे वो पंडित राजेंद्र दत्त थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, नोट कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सिरमौर रियासत के पंडित शिवानंद रमौल ने दिल्ली में स्थित किस संस्था से जुड़कर अपने आंदोलनकारी जीवन की जो है शुरुआत की थी, यानी कि अपना जो है उन्होंने आंदोलनकारियों में के साथ जुड़े थे, तो वो थे सिरमौर एसोसिएशन। कौन सी रियासत संस्था थी? सिरमौर एसोसिएशन के साथ जो है ये पंडित शिवानंद रमौल जो है वो जुड़े थे। नेक्स्ट आता है सिरमौर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1934 को जो है सिरमौर प्रजा मंडल की जो है वो स्थापना हुई थी। अगला सवाल, चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, सिरमौर के बाद दूसरे प्रजा मंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये भी मंडी में हुई थी सन 1936। और स्वामी पूर्वानंद जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। पूर्वानंद जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे हैं प्रजा मंडल, जब दूसरा प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है धामी प्रेम प्रचारणी सभा 1937 में गठित हुई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा नारायण दास जो थे वो इसके जो है अध्यक्ष रहे हैं धामी प्रेम प्रचारणी सभा के। अगला है सन 1939 में गठित शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजा मंडल के प्रधान और महामंत्री किसे बनाया गया था? तो वो थे पद्म भूषण और महामंत्री थे भागमल सोहाटा। प्रधान थे पंडित पद्म देव भूषण और जो महामंत्री थे वो भागमल थे सोहाटा। नेक्स्ट आ जाता है कुनिहार प्रजा मंडल का सभापतित्व किसने किया था? तो राणा हरदेव सिंह ने किया था। किसने किया था? राणा हरदेव सिंह। बहुत बढ़िया से आंसर है। 13 अप्रैल 1939 को भागमल सोहाटा की अध्यक्षता में प्रेम प्रचारणी सभा को किसमें बदला गया? तो वो धामी प्रजा मंडल में जो है इसे बदला गया था। किसमें बदला गया था? धामी प्रजा मंडल में। अगला सवाल है, धामी प्रजा मंडल द्वारा राणा के सामने कौन सी मांगे जो है वो रखी गई थी? तो बहुत सी मांगे रखी गई थी, देख लेते हैं कौन कौन सी रखी थी। बेगार प्रथा की समाप्ति करना, भूमि लगान के 50% की कमी, धामी प्रजा मंडल को मान्यता दी जाए, जनता पर लगाए गए प्रतिबंधों और अवरोधों को समाप्त किया जाए और नागरिक अधिकारों की जो है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है धामी प्रजा मंडल में जो है के द्वारा
राणा के सामने जो है वो मांगे जो है यानी कि शर्तें अपनी जो है वो रखी गई थी। अगला है, धामी गोलीकांड की रिपोर्ट बनाने के लिए नेहरू जी ने किसे नियुक्त किया था? तो वो अंबाला से थे कांग्रेस कार्यकर्ता लाला दुनीचंद, नाम था लाला दुनीचंद, कांग्रेस के ही अधिकारी थे, उन्हें ही नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कि किस राजा से मतभेद होने के कारण नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा था? तो वो था राजा प्रकाश है। नेक्स्ट है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का पहला अधिवेशन सन 1946 में मंडी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पूर्णचंद। कौन थे? पूर्णचंद, स्वामी पूर्णचंद। अगला सवाल, हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये भी अभी पिछले सवाल में ही जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को ही बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में विलय होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो पहली रियासत थी, वो थी ठियोग रियासत। अगला सवाल, सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन द्वारा अपनी रियासत को भारतीय संघ में विलय न करने पर राजा के विरुद्ध सत्याग्रह करने की धमकी किसने दी थी? तो वो दी थी पदम देव ने। किसने दी थी? पदम देव। अगला सवाल, किस चीफ कमिश्नर ने सुकेत रियासत के भारतीय संघ में विलीन होने की घोषणा की थी? तो वो थी नागेंद्र दत्त ने किया था। किसने घोषणा की थी? नागेंद्र दत्त। अगला सवाल है, भागमल सोहाटा के प्रयासों के कारण सचिव पीटीसी मेनन ने शिमला हिल स्टेट्स को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश के गठन के रूप में स्वीकृति दी थी? तो वो कौन सा था? तो वो हिमाचल प्रदेश था, जिसे जो है स्वीकृति दी गई कि वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। अगला है, शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों के विलय से कौन सा जिला बना था? तो उससे बना था महासू जिला बना था। कौन सा जिला बना था? महासू जिला बना था। अगला है, बिलासपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में विलय का जो है वो विरोध किया था? आनंद चंद, यानी कि राजा आनंद चंद ने जो है इसका विरोध किया, क्योंकि इन्होंने राजा पूछा ना, तो उपाधि भी देनी पड़ेगी, राजा आनंद चंद। ठीक है जी। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का पांचवा राज्य बना है, वो कौन सा है? और ये है हमारा बिलासपुर। कौन सा बना है? बिलासपुर। और अंतिम सवाल है, 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा को समाप्त करके क्षेत्रीय परिषद 1957 में बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये टेरिटोरियल काउंसिल है, आर्मी नहीं है, तो करम सिंह ठाकुर। क्या आंसर रहेगा? करम सिंह ठाकुर, जो कि मंडी के हैं। तो ये हैं हमारे क्षेत्रीय परिषद के जो हैं वो अध्यक्ष रहे थे। ठीक है जी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये नॉलेज कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और सपने पूरे करने हैं तो जागती आंखों से करने हैं, आंखें बंद करके नहीं करने हैं बच्चों, और अपना ध्यान जो है वो सिर्फ पढ़ाई पर रखना है, मंजिल आपको खुद मिलेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।